नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। पुलिस कंट्रोल रूम में न्यायालय डीपीओ एडीपीओ और पुलिस अधिकारियों के बीच संयुक्त समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य बिंदु ये था कि गंभीर मामलों में आरोपी कैसे न्यायालय से बच के निकल जाता है, जिसे लेकर दोनों विभागों के बीच काफी मंथन हुआ, जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा पास्को एक्ट, बलात्कार, एससीएसटी एक्ट, एनडीपीएस, हत्या जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों को पकड़कर न्यायालय भेजा जाता है, लेकिन न्यायालय से आरोपी कानूनी दाव पेच लगाकर बरी हो जाते हैं। इसी बात को लेकर आज पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस और न्यायालय डीपीओ विभाग की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। इस पूरी चर्चा के दौरान एक बात जो निकल कर आई, उसने ये पाया गया कि विटनेस अक्सर हॉस्टाइल हो जाते हैं, जिसके कारण आरोपी आराम से छूट जाता है। विटनेस के बदल जाने का मुख्य कारण सुरक्षा का अभाव माना गया है, जिसे लेकर दोनों विभागों के बीच गहन मंथन किया गया है। जी आजी साहब ने आज 12 बजे से जितने भी डीपीओ एडीपीओ हैं, जीपी एजीपी और पुलिस की एक संयुक्त बैठक रखी थी, जिसमें पिछले एक साल के जो भी न्यायालय में निराकृत मामले हैं, उनमें जितने सजा हुई, कितने मामलों में बरी हुए और जिन मामलों में बरी हुए हैं उसका कारण क्या है, स्पेशली जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, जैसे पॉक्सो के मामले हो गए, एसटीएससी के मामले हो गए और आपके एनडीपीएस के मामले हो गए, या अन्य जैसे बड़े मामले हो गए, हत्या के हो गए या लूट डकैती के हो गए, रेप के हो गए, तो उनकी समीक्षा हुई है। और उसमें ये मुख्य बिंदुओं पे चर्चा की, जैसे कि मतलब जो भी एक्विटल हुआ है, एक्विटल के क्या रीजंस हैं, इन्वेस्टिगेशन में कहाँ कहाँ कमी है और कोर्ट में ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूट करते समय किन किन चीज़ों में कमी आ रही है, और जो मामले छूटे हैं उसमें ऐसा क्या किया जाए, अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया जाए कि जिससे कि जो जिसमें हॉस्टिलिटी कम है या जिसमें मतलब जो अच्छे मामले हैं उनमें सजा हो। और इस पर चर्चा की गई तो एक बिंदु आया जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि ज़्यादातर मामले जो छूटे हैं उसमें विटनेस हॉस्टाइल हो जा रहे हैं। तो विटनेस क्यों हॉस्टाइल हो रहे हैं, इसके संबंध में भी विस्तार से चर्चा किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि विटनेस को सुरक्षा प्रदान की जाए, उस पर कहाँ कहाँ मतलब प्रशासन की कमी है, किन कारणों से सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और आगे से सभी पुलिस ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि इन सब चीज़ों में जो भी कमियों के कारण हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले, जो सही मामले हैं उनमें हम सजा करा सकें और जो फरियादी हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनको न्याय दिलवा सकें। और जिससे कि मतलब जो एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब न्यायदान का, वो सही हो सके, मतलब उस पर मतलब हम काम कर सकें। मेरा नाम रविंद्र सिंह, डीपीओ इंचार्ज रीवा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।